मेरा नाम प्रसादी लाल मीणा, सुनो बद्रीलाल मीणा, ग्राम श्रीमा, तहसील लालसोर। मैं कोथुन रोड शिव सिंहपुरा में नायरा पेट्रोल पंप के सामने शिवधर्म कांटे पे ऑपरेटिंग का काम करता हूँ। मैं गई रात कांटे पे सो रहा था, रात के तकरीबन 12:30-1 बजे लाल सोट के सीओ साहब उदय सिंह मीणा जी आए, उनके साथ उनके गनमैन, ड्राइवर और एक सादा वर्दी में अनजान व्यक्ति था। उन्होंने मुझे उठाया, मैं नींद में, गहरी नींद में सो रहा था। उन्होंने मुझे उठाया और बिना कुछ कहे आते ही लात घूसों से मुझे मारा, डंडे से मारा। मेरे पीठ पे निशान है चोट के और बाएं कान का पर्दा फट गया, दाएं कान में भी सूजन है और आँख में भी चोट आई है मेरे यहाँ। आँख पे मारा, मुंह पे मारे और फिर मुझे उठा के लाल सोट थाने ले आए रात को ही। यहाँ ला के बिठा दिया और पट्टे 10-10 पट्टे मारे हमारे और 50 दंड बैठक लगवाई और हफ्ते के लिए बोला हमको कि मंथली चाहिए। मैंने मना कर दिया, इस वजह से उन्होंने मुझे मारा बिना वजह। मैं दौसा एसपी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मामले में मुझे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। प्रसादी लाल मीणा नाम का ये व्यक्ति अपने साथ हुई बर्बरता के बारे में खुलकर बोल रहा है। प्रसादी लाल मीणा दौसा के लालसोट का रहने वाला है, शिव धर्म कांटे पर ऑपरेटर का काम करता है। इसका सीधा आरोप लालसोट के डीएसपी उदय सिंह मीणा पर है। इसका कहना है कि डीएसपी साहब 2-3 लोगों के साथ आते हैं और इसे नींद से जगाकर इसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। रात को ही प्रसादी लाल मीणा को लेकर लालसोट थाने आ जाते हैं और बेल्ट से पिटाई की जाती है। इसके बाद उससे कहा जाता है कि अगर मंथली पैसा नहीं दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रसादी लाल मीणा को डीएसपी साहब और उनके लोगों ने इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके बाएं कान का पर्दा तक फट गया। इस मामले को लेकर जब पुलिस से सवाल पूछे गए तो सुनिए जिले की एसपी रंजीता शर्मा किस तरह से मामले की जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ती दिखी। वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ मामला सामने आया है? एक वीडियो हमें संज्ञान में आया है जिसमें अब हमने एडिशनल साहब जो हैं उनको हमने इसकी जांच सौंपी है और उनको 24 घंटे का समय दिया है कि वो अपनी जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें जितने भी तथ्य हैं उसके ऊपर जांच करें और रिपोर्ट प्रेषित करें। और उसमें यदि किसी प्रकार की कोई मध्यांती या कोई दुर्भावपूर्ण इस तरह का कोई आती है गतिविधि तो उसमें डेफिनेटली हम सख्त कार्रवाई करेंगे और सक्षम स्तर पर इसकी सूचना ऑलरेडी प्रेषित की जा चुकी है। अब तक क्या समझ में आया है, कहाँ का ये वीडियो है, क्या जांच बाहर निकला है? इसमें अब संदिग्ध है क्योंकि वीडियो में जो क्लैरिटी है उसको हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कौन शख्स है, कौन मौजूद है लोग, उसके बाद में जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तभी कोई टिप्पणी कर पाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि जब पिटाई के सबूत सीसीटीवी की शक्ल में मौजूद है और खुद पीड़ित आरोप लगा रहा है कि डीएसपी साहब ने कैसे उससे पैसों की डिमांड की और किस तरह बेरहमी से उसकी पिटाई की गई, फिर भी एसपी मैडम और सबूत तलाश रही है, वीडियो की जांच करवाने की बात कह रही है। इस मामले को लेकर अभी तक दौसा के किसी भी जनप्रतिनिधि की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रसादी लाल मीणा अब डर के साये में जी रहा है, उसे अंदेशा है कि कहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस वाले उसके साथ फिर से किसी घटना को अंजाम न दे जाएं। राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप मीणा की रिपोर्ट।